ब्रो क्या क्या मारते हो भाई, ट्रिपल हेड भाई, ऐसा लगता है कि अरे लगी नहीं, भाई गोली चिपक रही है ब्रो, तुम एक क्या नंबर। मार रहे थे ब्रो, तुम क्या मार रहे थे, फाड़ दे रहे अरे थे भैया ना? मैं तो इतनी प्रैक्टिस, तुम तो आए हो 4 महीने बाद खेलने, मैं तो डेली मार रहा हूँ लंडो को, तब नहीं क्या नहीं नहीं हाल है। लेकिन तुम बहुत अच्छा खेले ब्रो, क्या रिफ्लेक्स थे ब्रो। अरे गंडा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर जादू। तो भाई लोग, आज मैं आपको ज़्यादा इंट्रो नहीं देता हूँ, आज मैं बताऊंगा, आज मैं करने वाला हूँ फौजी सीजे गेमिंग से बनवी वन टीडीएम फाइट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, कोई भी इसमें बात इधर उधर नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल अपने फौजी भाई जिनके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और गाइस तुम्हारे भाई के दोस्त भी हैं, एंड भैया जी आज उनके साथ खेलने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का टाइटल जिनके पास। एंड भैया बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर वर्सेस 7,000 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर, एंड गाइस टक्कर तुम्हारा भाई बराबर की देने वाला है, भले को चाहे कुछ हो। तो लिए पहले बिना फुर्सत के मतलब कर देते हैं स्टार्ट। आप लोग भी लाइक के बटन को दबा लो और अपनी अपनी कुर्सियों को पेटी को बांध लो, क्योंकि गेम में जो होने वाला है वो एक अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर पहला पॉइंट फौजी भाई ने ले लिया है। तभी यार मैं अपना दोबारा से एम मैसेज चेक करता हूँ कि ऑफ है कि नहीं। तो भैया मेरा ऑफ होता है, और अब की बार होगा तुम्हारा भाई का जलवा। ये वाला पॉइंट गाइज आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ही बराबर का कह सकते हो, बस मुझे मिल गया, बस समझ लो भाई जीत है। तो यहाँ पर मैं लेवल 3 की बेस उठा लेता हूँ, कोई चीटिंग नहीं है, मैंने बोल दिया था फौजी भाई आपके सामने मैं लेवल 3 की उठा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है यूज़ कर लेना। तो यहाँ पर फौजी भाई का कहना आपने सुन लिया, लेकिन मैं भी अपने आप पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे लगा कि फौजी भाई सही बोल रहे हैं, लेकिन सर गाइस फौजी भाई यहाँ पर ऑल पे माइक करके, तो भैया मुझे ये दिखाना चाह रहा था कि मैं बहुत तगड़ा मार रहा हूँ, लेकिन ये फौजी भाई की एक बात चाल होती है। सर गाइस यहाँ पर मेरा 5-1 से मैं लीड दे चुका था, तो भैया मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, और ऊपर से फौजी भाई ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि बहुत गंदा मार रहा है, बहुत तगड़ा खेल रहा है, तो मैं समझ गया मतलब फौजी भाई यहाँ पर नहीं खेल पा रहे हैं तभी। सो गाइस फौजी भाई अभी भी जो थे अपने फॉर्म में नहीं आए थे, क्योंकि वो अभी भी मुझे खिला रहे थे, मैं समझ गया अभी 7 मिनट वो बचे हैं, मतलब वो आधे मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट जब बचेंगे उसके बाद से खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि वो इस तरीके से खेल रहे थे मैं समझ चुका था। तभी यार मैं थोड़ा सा जोश में आता हूँ, और जिसमें मैं फौजी भाई को 1-2 पॉइंट थोड़ा अंडरस्टैंड मार देता हूँ, बिल्कुल ही हैकरों की तरह। तभी यार फौजी भाई कुछ ऐसा कहते हैं।
So, यहाँ पर फौजी भाई की गुटके वाली स्माइल से मुझे कुछ डाउट हुआ और भाई साहब देखो फिर जैसे ही टाइम आधा बचा फौजी भाई जो थे कंफ्यूज वाली ट्रिक लगाना चालू कर दिए जिसमें बंदे को कंफ्यूज करके मारा जाता है, लेकिन तुम्हारा भाई इतना आसानी से नहीं मरने वाला था। और गाइस तभी एक नंबर सर गाइस फौजी भाई आ चुके थे पूरे फॉर्म में और भैया एक ही हेड में मतलब एक ही स्प्रे में मतलब ट्रिपल हेड मार के मुझे नॉक कर दे रहे थे, मतलब फिनिश कर रहे थे और इतने भी मेरे घर में भी घुसने लगे। एक नंबर नहीं रहा है। यहाँ पर मेरा एम चोक हो जाता है जिसके चलते यार मेरा एम डाइवर्ट होने की वजह से मैं यहाँ मारा जाता हूँ। हालांकि मैंने 1 HP से ज्यादा कर दिया था लो फौजी भाई को, लेकिन मैं यहाँ पर एम की वजह से मारा गया। तभी भैया यहाँ मैं देखता हूँ कि अभी मैं एक की लीड से हूँ, तो भैया मैं उसे बरकरार करने की कोशिश करता हूँ अड़तनी में ही। ये कैसे हो गया Reloading.
तो गाइस मुझे अब यहाँ पर समझ आ चुका था कि फौजी भाई स्टार्टिंग में बस मुझे खिला रहे थे ना कि मेरे साथ खेल रहे थे। तो भाई साहब असली रूप असली गेम उन्होंने अब दिखाना चालू किया और भाई साहब मैं अपने लीड अप के चक्कर में मैं सीधा घुसने लगता हूँ और घुसने के चक्कर में यार गाइस मैं ब्लाइंड ही पुश करता हूँ और मैं मारा जाने लगा मतलब और पिटने लगता हूँ। इसके चलते यार चार की लीड फौजी भाई ने ले ली। भैया मैं कोशिश करके अपने लीड कवर करने की कोशिश करता हूँ और इतने में ही सर गाइस यहाँ पर मैं चार पॉइंट से हार जाता हूँ लेकिन गाइस आप लोगों ने देखी मैंने टक्कर जो पूरी दी फौजी भाई को एंड कॉम्बो वम्बो भी फौजी भाई से ज्यादा मार रखे थे। तभी चलते हैं हम लॉबी में फौजी भाई से करनी थी बातें। ब्रो क्या मारते हो भाई ट्रिपल हेड भाई ऐसा लगता है कि लगी भाई चिपक रही है ब्रो। तुम क्या मार रहे थे फाड़ दे रहे थे भैया मैं तो इतनी प्रैक्टिस तुम तो आए हो चार महीने बाद खेलने में तो डेली मार रहा हूँ लेकिन तुम बहुत अच्छा खेले ब्रो क्या रिफ्लेक्स थे ब्रो। अरे भाई शुरू में तो डरा दिया ऐसा लगा बस कोई आज भेज देती। अरे मैं भी लगा आज मजबूत लगा तगड़ा हारेंगे लेकिन भैया बैका मुझे लगा नहीं था बैकअप मार दो के बीच में एक नंबर चलो ठीक है। सो यार गाइस अगर आप लोगों को भी फौजी भाई का पार्ट टू देखना है तो इस वीडियो पे 1000 लाइक और गाइस सब लोग एक दोस्त को शेयर कर देना। अगर फौजी भाई के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर लेना एंड पार्ट टू में देखना चाहते हो तो भैया कैसे रिजल्ट आएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं क्योंकि इस गेम के बाद से और मेहनत करने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि फौजी भाई को चार की लीड थी नेक्स्ट गेम में चार की लीड ना दूँ और हरा दूँ। तो उसके लिए भैया देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लेना।